हाय एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों के लिए बची हुई दाल से बहुत ही टेस्टी से दो नाश्ते लेकर आई हूँ। यानी कि नाश्ता भी है, खाने की तरह भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। डिनर और लंच दोनों में यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास ये एक कटोरी दाल है। रात को हमने दाल बनाई थी तो उसमें से एक कटोरी दाल यहाँ पर बच गई है। तो इस एक कटोरी दाल से मैं आपको दो रेसिपी सिखाने वाली हूँ, जो एक तो आपको लंच की रेसिपी होगी और एक आपकी नाश्ते की रेसिपी होगी। इसके अलावा अगर आप दाल नहीं है, दाल के अलावा कोई भी सब्जी है ऐसी, या फिर कढ़ी वगैरह बच जाती है, चावल बच जाते हैं, कोई भी सब्जी बच जाती है, तो उसको आप सेम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस रेसिपी को दाल से ही बनाएं, जो भी आपके पास सब्जी बची हुई है उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस दाल को हम डाल देंगे एक मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार में। तो जो भी सब्जी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो थोड़ी सी सूखी है तो आप उसमें हल्का सा पानी ऐड करके फिर उसको डाल दें, नहीं तो अगर आपके पास लिक्विड वाली है तो आप उसको डायरेक्ट यूज़ करें। और इसको एक बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बनाकर हम तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए, इस तरीके का फाइन पेस्ट बना लिया और हमने बिल्कुल भी पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि आपका पीसने के बाद भी थोड़ा सा ड्राई है तो आप थोड़ा सा पानी डाल करके इसको पीस लें। एकदम फाइन सा पेस्ट बनकर तैयार होना चाहिए, लगभग इस तरीके का, जैसा हमने यहाँ पर बनाया ना, बिल्कुल ऐसा ही पेस्ट होना चाहिए। कड़ी वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको फिर पीसने की जरूरत ही नहीं है, वो इसी तरीके की होती है, तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो एक बोल में हम लेंगे लगभग दो कटोरी जितना गेहूं का आटा, साथ ही में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा डाल देंगे धनिया पाउडर और थोड़ी सी सौंफ। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। अच्छे कलर के लिए हमने डाल दिया थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें, और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला ना हो तो आप किचन किंग मसाला या फिर मसाला मैजिक, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, इसे एकदम फ्रेश फील आएगा। अब सभी सूखी चीज़ों को एक बार कर देंगे बढ़िया से मिक्स। और यहाँ पर जो हमारी दाल है उसको हम थोड़ा थोड़ा पहले यूज़ करेंगे। तो जैसे एक कटोरी हमने दाल ली है, एक कटोरी आपके पास कोई भी लिक्विड है, कढ़ी है या कोई भी सब्जी का है, तो लगभग उसमें दो कटोरी आटा लग जाता है। तो आपको जितनी ज़रूरत हो ना उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिर यूज़ कर लें। तो मैंने दो कटोरी आटा लिया है, एक कटोरी हमारे पास दाल है यहाँ पर पीसने के बाद में। तो हम उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको एकदम आटे की तरह हम लगा लेंगे, जैसे कि लगभग पूरी का आटा होता है ना, ऐसा आटा हम इसको लगाकर तैयार करना है, क्योंकि बाद में धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगता है, इसलिए हमें इसको अभी यहाँ पर पूरी का जैसा ही आटा लगाना होगा। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ दाल से ही आपका आटा नहीं लग पा रहा है तो थोड़ा सा पानी भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले पूरे दाल का पेस्ट हम यूज़ करेंगे, ज़रूरत लगेगी तो हम पानी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लगभग एक टेबल स्पून पानी की मुझे ज़रूरत लगी है, तो मैंने एक टेबल स्पून पानी इसमें और यूज़ कर लिया। दाल हमारी पूरी यूज़ हो गई है। तो देखिए, इस तरीके का आटा हमने लगाकर तैयार कर लिया है। थोड़ा सा टाइट है अभी, बाद में धीरे धीरे और भी सॉफ्ट हो जाएगा। ढक करके इसको लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जैसे कि आटा पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। और इसी आटे से हम दो रेसिपी बना करके तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया एक पैन, पैन में लगभग एक छोटा चम्मच तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, गर्म तेल में हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और साथ ही में डाल देंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च। और अच्छे से कलर के लिए हमने डाल दिया थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें। और अभी सभी चीज़ों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। और यहाँ पर डाल रहे हैं 1.5 बड़ा चम्मच जितना बेसन। बेसन की जगह आप मैदा का यूज़ कर सकते हैं, गेहूं के आटे का यूज़ भी किया जा सकता है। बेसन को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और यहाँ पर हमने एक उबले हुए आलू को इस तरह से मैश करके ले लिया है, उसको इसमें मिक्स कर देंगे। और पूरे मसाले के साथ में आलू को अच्छे से प्रेस करते हुए मिक्स करना है, यानी कि इसकी मोटे मोटे घराने हमें नहीं चाहिए, हल्का सा प्रेस होना चाहिए। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक इसमें डाल देंगे, साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मसाला बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। और इसी के साथ में हम इसमें डाल देंगे लगभग 1 बड़ा चम्मच जितना पानी। थोड़ा सा जो हमें स्टफिंग बनानी है वो थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए, सॉफ्ट जैसी, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और किसी भी बर्तन में निकाल देंगे, जिससे कि हमारी स्टफिंग फटाफट से ठंडी हो जाए। तो यहाँ पर जो हमारा आटा है वो भी अच्छे से सेट हो चुका है, इसको हम निकाल करके एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए एकदम सॉफ्ट और सेट हो चुका है। तो अब इस आटे को हम दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग दो रेसिपी बनाने वाले हैं इससे। एक को हमने ढककर रख दिया है, दूसरे को हम इस तरीके से लोफ की तरह लंबा सा पेल लेंगे। यहाँ पर हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे और छोटे छोटे पेड़े इस तरीके से कट करके निकाल लेंगे। जितने बड़े या छोटे आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी लोई जैसी हम इसकी बना लेंगे हाथों में बीच में रगड़ते हुए। अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा तेल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने हल्का सा ऑयल लगा करके इसको यहाँ पर बेल लेना है, जैसे मैं पूरी बेल लेना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमें इसको बेल लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा आप उसको ना बेलें, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी ना रखें, बहुत ज़्यादा मोटा भी ना रखें, मीडियम साइज़ का रखें इसको आप। यहाँ पर हमने ऑयल को अच्छा गर्म होने के लिए रख दिया। ऑयल हमारा काफ़ी अच्छा गर्म होना चाहिए। इसमें हम एक एक करके हमारी पूरी डालते जाएंगे और इनको फिर फ्राई करेंगे। तो मैं आपको पहले एक दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये फूल जाएगी।
अगर आप इसको ज्यादा पतला बेलेंगे ना तो ये फूलेगी नहीं, टेस्टी बहुत बनती है, क्रिस्पी बनेगी। अगर ये फूलेगी नहीं तो बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेगी, लेकिन अगर आप इसको पतला बेलेंगे तो ये फूलेगी नहीं, बस ये है। अगर मोटा बेलेंगे तो ये फूल भी जाएगी। कचौरी का जैसा टेस्ट आता है, दिखने में पूरी है लेकिन इसका टेस्ट एकदम कचौरी जैसा आता है, और एकदम गर्मा गर्म अगर आप खाएंगे ना तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। ठंडी होने के बाद आप इसको चाय के साथ में खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी। अगर आप इसको डिनर या लंच में खाना चाहते हैं तो आप इसको दही के साथ में खाइए, आलू की सब्जी के साथ में खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको दोनों तरफ से अच्छा सा क्रिस्पी सा होने तक पका लेंगे, क्योंकि पूरी नहीं है, कचौरी के स्वाद वाली पूरी है। तो ये हमारी पूरी बन गई है। तो ये देखिए हमने सारी ही पूरी बना करके तैयार कर ली है, अभी एकदम क्रिस्पी है, गरम गरम खाएंगे तो थोड़ी क्रिस्पी लगेंगे, ठंडे होने के बाद में थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दोनों तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो हमारा जो बचा हुआ आटा था उसको हमने एक पेड़े की तरह बना लिया है, चकली पर रखकर उसको हमें पतला सा बेल लेना है, लगभग चपाती से थोड़ा सा मोटा हमें बेलना है। देखिए इस तरीके का हमने इसको बेलकर तैयार कर लिया है। तो अब जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई थी ना वो इस तरीके की ड्राई हो गई है, तो हम इसको स्पून से नहीं बल्कि हाथों से पतला पतला सा फैला लेंगे। स्पून से फैलाएंगे ना तो वो उतना पतले से इक्वल नहीं फैल पाएगा, तो हाथों से आप इसको इस तरह से फैला लेंगे। पूरी रोटी पर हमने फैला लिया है, ऊपर से यहाँ देखिए थोड़ा सा स्पेस हमने छोड़ दिया है, यहाँ पर हम इसको नहीं फैलाएंगे। अब यहाँ पर हमने एक मैदा को पानी में घोल करके हल्की सी स्लरी बना ली, स्लरी बनाने सभी को आती होगी, मैदा में बस थोड़ा सा पानी मिलाया, गाढ़ा सा घोल बना लिया है, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारा डो आसानी से चिपक जाता है, खुलने का डर भी नहीं होता है। तो बस इस तरीके से यहाँ पर इसको हम फैला देंगे, और अब हम इसको यहाँ पर रोल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए नीचे की तरफ से हल्का हल्का सा दबाते रहेंगे और इसको रोल करेंगे, एकदम टाइट डो हमें, यानी कि टाइट रोल हमें बनाना है, लूज नहीं बनाना है, नहीं तो जो हमारी शेप बनेगी ना नाश्ते की वो शेप एकदम परफेक्ट नहीं आ पाएगी। तो इस तरीके से हम इसको रोल करते जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से पूरा रोल कर लेंगे, टाइट करते जाएं और इसको पूरा रोल बना ले। अब जहां पर हमने मैदा लगाई है ना, स्लरी लगाई है, वहां से ही काफी अच्छे से चिपक जाएगा। दोनों हाथों से हल्के हल्के से प्रेस करते हुए इसको हम फैला लेंगे, और यहाँ पर इसके हम छोटे छोटे पेड़े यानी सर्कल जैसे कट करके तैयार कर लेंगे, छोटे छोटे से पिनव्हील्स बनाते हैं ना बिल्कुल सेम उसी तरीके से। अब यहाँ देखिए ये इस तरीके का कट किया है, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी बना करके खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा अलग शेप देने की कोशिश करूंगी, तो हाथों के बीच में रख करके हम इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। ये देखिए तो इसकी शेप थोड़ी और भी अच्छी लगेगी, ये देखिए दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बाकी के पिनव्हील्स भी आप इसी तरीके से बना करके तैयार कर लीजिए। तो बहुत पौष्टिक भी है ये नाश्ता, क्योंकि बहुत सारे दालों से बना होता है और ये बनाने में बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पर हमने जो स्लरी बनाई थी ना उसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक मिला करके हमने इसको इस तरीके का लिक्विड सा घोल बना लिया, ये बनाना जरूरी है दोस्तों। अब यहाँ पर जो हमारी नाश्ता में बनाया था पिनव्हील्स को हम लेंगे और स्लरी में इस तरह से डिप करेंगे दोनों साइड से, ये देखिए इस तरीके से हमने डिप कर लिया। और यहाँ पर हमने ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल मीडियम गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, बहुत ठंडा भी नहीं है। मीडियम फ्लेम पर हमें इसको दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक पकाना होगा। तो सारे नाश्ते को हम पहले इसमें डाल देते हैं जितने एक बार में आ जाएंगे, और उसके बाद में हम इसको पकाएंगे। अगर आप लोग स्लरी का यूज नहीं करेंगे तो जो बेसन आलू का जो हमने डो बनाया था, जो हमने स्टफिंग लगाई है ना, वो बाहर निकलने लग जाएगी फ्राई होते टाइम पे। अगर आपको स्लरी इसमें नहीं लगानी है तो फिर आप इसको बेक कर लें, या फिर आप बिल्कुल हल्के तेल में यानी कि तवे पर जरा सा तेल डाल के इसको आप हल्का सा सेक ले, बस इस तरीके से आप बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको फ्राई करना है तो आपको स्लरी इसमें लगानी ही होगी, तभी अच्छे से परफेक्ट बन पाएंगे। तो यहाँ देखिए मीडियम फ्लेम पर हमने इसको सेका है और एकदम परफेक्ट लग रहा है, काफी क्रिस्पी है और अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट है ये। तो बस इस तरीके से सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने सारे ही पिनव्हील्स बना करके तैयार कर लिए, जो कि रात की बची हुई दाल से हमने बनाए थे। बच्चे एक बार खाएंगे ना तो बस यही करेंगे कि मम्मा आपने जो उस दिन बनाया था ना वही वाला नाश्ता बनाओ, इतना टेस्टी बनेगा ये। तो यहाँ देखिए हमारी दाल से बने हुए दोनों ही नाश्ते बनकर के तैयार हो गए हैं, इतना टेस्टी पिनव्हील्स हमारा बना है। गरम गरम खाएंगे बहुत क्रिस्पी लगेगा, ठंडा होने के बाद में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो हमारी पूरियां हैं वो इस टाइम पर थोड़ी सॉफ्ट है, ठंडा होने के बाद में सॉफ्ट हो जाती हैं, गरम गरम खाएंगे तो एकदम क्रिस्पी है। दिखने में पूरी है लेकिन खाने में इसका जो टेस्ट है वो एकदम कचौरी जैसा लगता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप चाहें तो इसको मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा और क्रिस्पी होने तक पका सकते हैं, जिससे कि और भी ज्यादा ये क्रिस्पी बनेगी। आपको इन दोनों में से कौन सा नाश्ता ज्यादा बेटर लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।